ओके सो हाय गाइस, आज मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो मेरे को बहुत टाइम से मन था। बेसिकली अभी मैं 18 साल का हूँ और कल मैं 19 का होने वाला हूँ। तो बेसिकली होने क्या वाला है, मैं अपने 24 ईयर ओल्ड सेल्फ के लिए एक मैसेज छोड़ना चाह रहा हूँ वीडियो के थ्रू। एक मैसेज जिसमें मैं अपना फीलिंग्स जो अभी है और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं जो अपने 24 ईयर ओल्ड सेल्फ को बताना चाह रहा हूँ, होपफुली वो मेरे से ज़्यादा वाइज होगा जितना मैं अभी हूँ। बट फिर भी एक मैसेज छोड़ने जा रहा हूँ जो कुछ पॉइंट्स बता सके जो बहुत ज़रूरी है, कभी कभी हम भूल जाते हैं। एंड आई होप मैं ये सब नहीं भूलूँ जब मैं 24 का भी हो जाऊँ। बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। आज मैं कुछ और था, कल मैं कुछ और हो जाऊँ। बट मैं एक ऐसा मैसेज छोड़ना चाह रहा हूँ। सो अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मैं बताता हूँ अपने 24 ईयर सेल्फ, तू जो देख रहा है, तू अभी 24 साल का है ऋषव, मैं तेरे को एक बात बोलना चाह रहा हूँ। डियर 24 ईयर ओल्ड सेल्फ, देख भाई, तू जहाँ पे भी है, जो भी कर रहा है, पैशनेटली कर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हम लोग को कुछ भी कर रहे हो पैशनेटली करने। वरना अभी तो तेरा ऐसा हाल है कि तू अगर कोई चीज़ में तेरे को इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मेरे को अभी इंटरेस्ट नहीं है तो मैं वो नहीं करता। पता नहीं तू कैसा है, तू पहचान अपने आप को और हर चीज़ को पैशनेटली कर, चाहे वो सुबह उठ के ब्रश करना है क्यों ना हो। एक और बात, तू जो अभी कर रहा है उसमें तेरा मन लग रहा है कि नहीं, डू यू रियली लव इट। देख, बात ऐसा है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसमें भी तू जो पसंद नहीं है तेरे को वो करेगा और दूसरे के बोलने पे जिएगा तो बेकार है। अभी भी बहुत टाइम है तेरे पास, कुछ चेंज कर। अभी देख कि तेरा 18 ईयर्स ओल्ड का जब तू था तो तू कितना पैशनेट था, तो यार अब तो तू 24 का है, अब तो मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जानना कि तेरे को क्या पसंद है। अभी तक नहीं जाना तो कोई बात नहीं, करेंगे मेहनत, ढूंढेंगे, पर अब टाइम आ गया है कि सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का, देखने का कि तेरे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किसमें मन लग रहा है, क्या तेरे को दुनिया में चेंज करना है। एक चेंज मेकर बनना बहुत ज़रूरी है। मैं देखो याद दिलाना चाहता हूँ कि तू जब वो पहला कॉन्टेस्ट बी चेंज मेकर में अप्लाई किया था, तू सोचा होगा भी नहीं, ऐसे एक वेग सा आइडिया था। रात के आधा घंटा पहले तूने फॉर्म सबमिट किया था और उसने तेरे को कितना हेल्प किया भाई। दुनिया बदलती है एक रात में, दुनिया। तो ये तो सिर्फ तेरा करियर है। तो तेरे को अभी कुछ फील हो रहा है या तेरे को कुछ लग रहा है कि यार अच्छा नहीं चल रहा है, तो कोई बात नहीं, स्ट्रगल कर, हासिल करेंगे ना, तब तक करेंगे जब तक भगवान नहीं मान जाता। अभी जो पीरियड है तेरे लाइफ का वो हाई रिस्क पीरियड है, अभी टाइम आ गया हाई रिस्क लेने का, क्योंकि अभी तो रिस्क नहीं लेगा तो बाद में रिग्रेट करेगा कि काश मैं दूसरा पाथ चूज़ करता। थोड़ा पेशेंस रख, बहुत काम आएगा। कोई भी बड़ा चीज़ एक दिन में नहीं बना है, टाइम लगा है, हर दिन की मेहनत, सालों की मेहनत लगेगी। तो कोई बात नहीं यार, अभी कुछ नहीं हुआ, अपन कुछ बने नहीं तो क्या हुआ, करेंगे ना, टाइम लगेगा। तो इसलिए काम को पसंद कर, तू जो कर रहा है। अगर एंड गोल को पसंद करेगा कि मेरे को इतना कमाना है या इतना कुछ करना है या इतना पैसा चाहिए तब जाके मैं सक्सेसफुल बनूंगा और तब मैं हैप्पी होऊंगा, वैसा कभी नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा कि तू जहाँ पहुँच गया और तू ऐसे खुश रहेगा। तो पर अगर तू जो काम कर रहा है उसी में तेरे को इतनी खुशी मिल रही है कि तेरे को मज़ा आ रहा है वो काम करने में चीज, अपना माइंडसेट एकदम सही रख। अभी भी मैं तो अभी देखता हूँ तू 24 का है, अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस जो बड़े लोग जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनका देख, अपना माइंडसेट बदल, अपना माइंडसेट सही करते रहे, जान पहचान दुनिया के बारे में, लाइफ के बारे में। अगर तू उनसे सीखेगा तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है, अभी तो तू सीखता है,
उस टाइम भी सीख रहा है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं मेहनत बदलना अपने को, अपन को दुनिया में सबसे बढ़िया बनना, बेस्ट इन द वर्ल्ड। एक और बात, भगवान से कनेक्टेड रहे। अभी तो तू नहीं कर रहा है, अभी मतलब 18 साल का जब अभी मैं हूँ, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, बट आई होप तू रियलाइज़ करेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअली कनेक्ट रहना भगवान से। और तो तू समझदार है यार, प्लीज़ आई होप तू कहीं अच्छा जगह है, पर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, करते हैं मेहनत, मेहनत जारी है। ओके देन, हैप्पी बर्थडे ब्रो।